जनपद जालौन के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव मानपुरा में प्रधान द्वारा सरकारी योजनाओं से ऐसे लोगों को वंचित किया गया जिन्हें वास्तविकता में जरूरत है। आज मीडिया का कैमरा मानपुरा पहुंचा तो एक विधवा महिला नीतू सेंगर ने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया, जबकि मेरा पति 2 साल पहले खत्म हो गया है और मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालती हूं। और आवास के लिए जब ग्राम प्रधान से कहा तो ग्राम प्रधान ने अपने गुर्गों द्वारा आवास के लिए 20,000 रुपए मांगे और कहा कि आप 20,000 रुपए मुझे देंगी तभी मैं आपका आवास कर पाऊंगा। जबकि विधवा महिला एक झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है, न सिर पर छत और न रहने को घर, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। विधवा महिला ने यह भी कहा कि गांव में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आवास दिया गया है और वह पात्र भी नहीं है, ऐसे में आखिरकार आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, जबकि पात्र लोगों के लिए सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आखिरकार क्यों नहीं होती ऐसे ग्राम प्रधान पर कार्यवाही। जनपद जालौन में ऐसे कई गांव हैं जिन गांव में विकास के नाम पर लोगों को आश्वासन और धोखा मिला है, जबकि प्रधान द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सफाई से लेकर कई कार्य जैसे कि तालाब सुंदरीकरण, सड़क, आवास, शौचालय, कायाकल्प जैसी कई योजनाएं हैं जो गांव के लिए आती हैं, फिर भी पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिलता है और आखिरकार वजह क्या है। अब देखना यह है कि इस महिला को और ग्रामीणों को आला अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन मिलता है और क्या प्रधान के ऊपर कार्रवाई होती है। वहीं अगर देखा जाए तो गौशाला के लिए सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन गौशाला की व्यवस्था तो बद से बदतर दिखाई दे रही है। पूरे 5 सालों में लगता है कि गौशाला में एक भी गाय नहीं रखी गई है। गौशाला में गायों के लिए 3 शेड व चबूतरे बने हैं, लेकिन उसमें न कोई गाय रखी गई और न पानी की कोई व्यवस्था है। आखिरकार प्रधान सचिव पंचायत मित्र के द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया, लेकिन जिले के आला अधिकारियों द्वारा इन 5 सालों में कभी ऐसे गाँव पर नजर नहीं डाली गयी। अब देखना यह है कि इस खबर से अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही होगी, ये जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। कौन से गांव की हैं आप? सोना मानपुर। क्या आप पात्र नहीं है जो आपको आवास नहीं मिला इस बात के लिए? हम पात्र तो साहब खूब है, लेकिन हमको दिया नहीं गया। क्यों, क्या कारण रहा? हमको 20,000 रुपए देने को थे नहीं, इसलिए उन्होंने दिया नहीं। किसने मांगे थे आपसे 20,000 रुपए? प्रधान से, प्रधान ने मांगे थे हमसे। अच्छा, इस बात की शिकायत किसी से की थी आपने? हाँ, की थी, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। हम तो रही तक गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, किसी ने भी सुनवाई नहीं की? नहीं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? बृजेंद्र सिंह। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कुछ नहीं कहते हैं, पैसे मांग रहे थे, हमने उनको देने के पास थे नहीं, तो उन्होंने कुछ नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम भी कटा दिया था। अच्छा, हाँ। फिर आप कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? इसी में गुजर बसर कर रहे हैं? बस इसी में साफ कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए इसी में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपके पति कब एक्सपायर हुए थे? 2 साल हो गए। अच्छा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? पेंशन बनी है आपकी? पेंशन तो बन चुकी है। अच्छा, बस इसी में गुजर बसर कर रहे हैं जैसे मेहनत बनती है। राशन कार्ड कौन सा है आपका? राशन कार्ड सफेद था। अच्छा अच्छा, वो भी कट गया है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। कौन से गांव के हैं आप? ग्राम मानपुर। आपके गांव में 5 साल है जो प्रधान रहा है, उसके द्वारा क्या विकास किए गए हैं? विकास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। अच्छा, स्कूल में 12 लाख रुपए आया था तो बाउंड्री पूरी टूटी पड़ी है, उसको देख लिया गया मौके पे, और नालियाँ टूटी पड़ी है, वही एक दो रिपेयरिंग कराएगी। कच्चा काम जितना है नरेगा का सब मिली भगत से चल रहा है। अच्छा, कौन कौन मिली भगत कर रहा है? मिली भगत क्या, जैसे ग्राम सचिव और पंचायत मित्र प्रधान। अच्छा, प्रधान का भतीजा है प्रताप विक्रम। आप ये बताइए कि सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए गौशाला में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो आपके यहाँ गौशाला कैसी बनाई गई है प्रधान के द्वारा? गौशाला की देख तो ली, कंडीशन कुछ भी नहीं है वहाँ। अच्छा, नहीं है वहाँ। क्यों, 5 साल में गायें वहाँ भेड़ी नहीं गई है? खाने पीने की कोई खाने का कोई साधन ही नहीं है, तो भेड़ी है क्या? अच्छा, प्रधान ने विकास में जैसे शौचालय है, आवास है, लगभग में लोगों को दिए हैं या नहीं दिए? पात्र लोगों को दिए हैं, अपात्र लोगों को दिए हैं? शौचालय में तो हम खुद जुड़े थे, हमने करवाया था विकास पर जो है कि 2,000 रुपए कुछ लोगों से ने ले लिया है। अच्छा, तो बाद में जानकारी हुई, उस टाइम तो हुई नहीं थी। अच्छा, 2,000 रुपए लिए हैं इन्होंने। आवास? आवास में 20,000। किसने लिए? प्रधान का भतीजा ले रहा है, और कौन लेगा? अच्छा, अभी अभी गांव में देखा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आवास नहीं मिला, क्या कारण रहा? पैसे का कारण है, पैसा है होता तो मिल जाता उनको। अच्छा ठीक। बेटा कितने में पढ़ती हो? 10 में। कौन कौन है आपके साथ में, कौन कौन रहता है? हम, हमारी मम्मी और दोनों भाई। अच्छा ठीक। भैया तुमसे छोटा है बड़ा है? छोटे हैं दोनों। नाम है आपका? अरविंद नाम। कौन से गांव से हैं आप? मानपुर। यहाँ ये गौशाला बनाई गई है, इसमें गायें बैठी जाती है आपके यहाँ कि नहीं बैठी जाती? नहीं बैठी जाती।
कभी 5 साल हो गए, कभी भी एक गाय भी नहीं मिली। अच्छा, इसकी व्यवस्था क्या है, खाने पीने की व्यवस्था? अच्छा, इस बात के लिए प्रधान से नहीं कहा आप लोगों ने? प्रधान से कहा क्या है, उसके बाद ये है कि जो उसके फावर में रहते हैं, जो मोटे मोटे हिसाब किताब में, वो अपने लेते लेते हैं, काम खत्म। अच्छा, अब मेरी की कोई सुने ही नहीं, कोई नहीं सुनता है कि मुझे फूटे फूटे छपरे फपरे में रहते हैं, गरीब आदमी नहीं साहब, वो सुनता नहीं। अच्छा, जैसे आपसे मैंने शिकायत करी, जैसे शिकायत करी तो उसमें क्या हुआ कि इन जैसे ये कुछ पैसे वाले हैं तो इनको उसने दे दिया 2-4 10 हजार रुपए। अच्छा, इसलिए हमारी बात दब गई। किसने किसने जैसी मतलब वही ना प्रधान ने। अच्छा, हाँ तो हमारी बात दब गई, हमें कोई पूछता नहीं। अच्छा, ना कॉलोनी मिलेगी, ना हमको कुछ राशन पानी का इंतजाम कुछ है, हम क्या गरीब आदमी के हमारे के थोड़ू, लेकिन बड़े आदमी की सुनाई हो रही है। क्यों पात्र नहीं है आपको आवास, शौचालय कुछ नहीं मिला गाँव में? शौचालय मिला है, लेकिन मिला है ऐसी एक मिला है जैसे वो उसके घर में 3 बन गए, जैसे बड़े बड़े आदमी घर में 3 बन गए, मेरे घर में 1 बन गया, मतलब हो गया तुम्हारा ठीक है। अच्छा, आवास आवास विकास क्या हुआ आपके गांव में? विकास तो ये हो रहा है सब अपने हिसाब के, वो अब अपने वो बांट रहा है इस तरीके से, आदमी जो है गरीब आदमी को कोई नहीं सुनाई देता है। अच्छा, ये सड़कें आवास वगैरह, ये नाली वगैरह बनाई जाती है कि आपके यहाँ निर्माण हुआ है इसका? हाँ हुआ है, मजे को हुआ, लेकिन फुल तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से मैं चाहिए। अच्छा, क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का है बड़ी प्रधान। अच्छा, सचिव का? सचिव को हम साहब नहीं बता सकते। पंचायत मित्र का? पंचायत मित्र का है बलमन।